चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ग्राम पंचायत गुवाड़ी स्थित मड़कोला के भीमसोर तालाब में हुआ 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन शनिवार 30 जनवरी को सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुवाड़ी स्थित मड़कोला के भीमसोर तालाब में 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सागवाड़ा उप प्रधान नरेश पाटीदार रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता गुवाड़ी पंचायत समिति सदस्य संगीता डंडोर ने की। प्रतियोगिता का फाइनल मैच बिरसा प्रिंट्स क्लब सागवाड़ा एवं मड़कोला क्लब के बीच खेला गया, जिसमें बिरसा प्रिंट्स क्लब सागवाड़ा विजेता रही। फाइनल मैच में महेश डिंडोर को मैन ऑफ द मैच चुना गया एवं पूना शंकर ननुमा को बेस्ट बॉलर चुना गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथियों ने विजेता एवं उपविजेता टीम के कप्तान सुनील डामोर एवं दिलीप डिंडोर को शील्ड देकर सम्मानित किया। अंत में प्रतियोगिता में भाग ले चुके एवं सागवाड़ा प्रदानेश्वर लाल सरपोचा के भांजे अक्षय डामोर के असामयिक निधन पर उनकी याद में एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन मनीष डिंडोर ने किया एवं आयोजक विपिन डिंडोर, दिलीप डिंडोर व ऋतिक डोडियार थे तथा आभार नरेश डिंडोर ने व्यक्त किया। आइए हम आपको ले चलते हैं मड़कोला में, जहां मैच का कार्यक्रम चल रहा है। आज अंतिम दिन है, विजेता और उपविजेता से हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। पहले अतिथि हमारे सागवाड़ा उप प्रधान पाटीदार जी हमारे सामने है। पाटीदार जी, एकता समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ सर, बताइए आज के मैच के, आप अतिथि हो हमारे, तो मैच के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा रहा मैच? सर मैच अच्छा रहा, इन्होंने विजेता बने, विजेता बने उनको पारितोषण भी दिया और इन्होंने अच्छा कार्यक्रम रखा है। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे पाटीदार जी ने कि यहाँ पे उप विजेता और विजेता टीम को इन्होंने बधाई भी दी है। आगे की हम कप्तान जो आज के मैच के विजेता रहे, ऐसे विजेता से हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार। भाई साहब, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुनील डामोर। सर बताइए आपका कितने दिन का मैच रहा? ये मतलब 6-7 दिन का टूर्नामेंट था और हम मतलब हमने पूरे 4 मैच खेले और सेमीफाइनल में प्रवेश किया और फाइनल में हमारा 5वां मैच था। और मतलब हमारे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था हमने और हमारा टारगेट ये था 150 रन हम बनाएंगे और सामने वाली टीम को एक तरफा मैच हराएंगे और हम एक तरफा जीतेंगे। वैसे हमारा बॉलिंग लाइन में बहुत अच्छी लाइन थी और काफ़ी बैटिंग में माई डेंडोर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और उन्होंने विनय ने और नेक्स्ट बैट्समैन सभी ने साथ अच्छा दिया। आपको कोई ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो आज आपका जो मैच चल रहा था उसके अंदर? जी, क्वार्टर फाइनल मैच था, वो मैच बहुत ही रोमांचक मैच था, जो कि वो बहुत ही बड़ा मैच था। मतलब वो एक तरफा होने जा रहा था, मतलब हम हारते हारते मतलब बचे उसमें और एक ओवर में 5 रन की ज़रूरत थी उनको और हमारे काफ़ी राहुल रोहत ने काफ़ी अच्छा कैच बनाया और उस बल्लेबाज को आउट किया और हम मैच जीत गए। आप कप्तान हो और कप्तान के जरिए आप बताइए आपके बेस्ट वो कौन से रहे उसके बारे में? मैं ये मानता हूँ मेरी टीम में 2 ओपनर बैट्समैन हैं, चंद्रेश चरपोटा और विनय त्रिवेदी, वो काफ़ी धुआंधार बल्लेबाज हैं। और उसके बाद में हमारी टीम पूरी पैक थी, मतलब 7वें विकेट तक हमारे बल्लेबाज पूरे फिट थे और काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी करते। मिडिल ओवर में भी हमारे सुनील आहारी, माई और विकास रोहत, दिलीप आहारी और राहुल काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं हमारी टीम में। इस मैच का श्रेय किसको जाता है जो आपने आज इतनी बड़ी ट्रॉफी आपने प्राप्त करी और आप विजेता रहे, तो इसका श्रेय किसको जाता है? इस मैच को मतलब माही डेंडर को जाता है, ये काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी की उन्होंने हमारी टीम के लिए। हमारे कप्तान जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि माही डेंडोर को जाता है ये। आगे के करीब हम आपको ले चलते हैं उप विजेता रही टीम ऐसे कप्तान से। सर एकता समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। बताइए सर, आपने जो मैच आज जीता है ये जीत आपकी नहीं पूरे खिलाड़ियों की है, इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रयास किए, लेकिन गाँव में गलतियाँ हुई जिसमें हम मैच आज हम उप विजेता रहे, वरना हमने बहुत अच्छी प्रयास किया। हमारे ओपनर दोनों पंकज जी जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, अर्धशतक बनाया। उसके बाद ठाकुर साहब हमारे जो पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप अच्छी थी, लेकिन थोड़े रन ज़्यादा हो गए थे जिसके कारण हम स्कोर चेस नहीं कर पाए, तो बस हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम। आपका आपका ये उप विजेता का जो इतनी बड़ी ट्रॉफी आपको मिली है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय हमारे एक तो बैट्समैन है पंकज जी, जिन्होंने अर्धशतक अच्छी, पंकज जी को हमारे सामने लाइए। आइए पंकज जी। पंकज भाई, पंकज जी, पंकज भाई,
और आगे की कड़ी में बताइए आपके बॉल झटने वाले पुन्ना सिंह थे जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। हमारा 3-4 मैच जो जीते हमें बहुत अच्छा उनका सहयोग रहा हमारा, जिन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की जिसके कारण हम आज यहाँ तक फाइनल तक पहुँचे। और सबका बहुत सारे खिलाड़ी हमारे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो आज हम यहाँ तक आए। भैया बताइए आप हमारे एकता समाचार के माध्यम से बताइए आप उप विजेता रहे उसके बारे में बताइए। हम मतलब मैच में बने रहे थे फिर 10 मतलब किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? मतलब बैट दूसरे बैट से मैंने मतलब साथ साझेदारी नहीं हो रही और साथ नहीं दिया। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे भाई ने। मैं एकता समाचार के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे अक्षय जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने भी इनके जो जीवन सीमा जो खत्म हुई उसके पहले इन्होंने यहाँ पे मैच खेल के गए थे। अक्षय के लिए हम सब मिलके एक मिनट का मौन रखते हैं और भगवान से ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। एक मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति शांति।